मैं आप लोगों के साथ एक सेंसिटिव और बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। हैशटैग जस्टिस फॉर चैत्रा। ये आज के समय में पूरे सोशल मीडिया सभी न्यूज चैनलों पर ट्रेंडिंग कर रहा है। हैदराबाद की एक छोटी सी प्यारी सी 6 साल की बच्ची जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, उसकी अगवा की जाती है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसकी हत्या की जाती है। ये हमारे भारत देश में पहली बार नहीं हुआ है। हमारी देश की राजधानी दिल्ली में भी एक पुलिस कर्मचारी के साथ भी कुछ इसी प्रकार का हादसा हुआ। उसकी अगवा की गई, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसका हत्या किया गया। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये जो छूना यानी स्पर्श करना या टच, इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। छूना या स्पर्श करना, ये शब्द अपने में ही एक बहुत ही सुंदर शब्द है। जब एक माँ अपने बच्चे को प्यार से गले लगाती है, गोद में बिठाती है और उसके चुंबन करती है, तब हम उसे माँ का प्यार कहते हैं, माँ की ममता कहते हैं। जब एक पिता अपने बच्चे को गले लगाता है, तब हम उसे पिता का प्यार कहते हैं। जब एक भाई अपनी बहन को प्यार से गले लगाता है, तब उसे हम भाई बहन का प्यार कहते हैं। जब दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, तब हम उसे दोस्तों का प्यार कहते हैं। पर जब कोई व्यक्ति अपने हवस के शिकार बनकर दूसरों को उस बुरे नजर से देखता है, बुरी नजर से स्पर्श करता है, तब हम उसे बलात्कार कहते हैं। जिसके स्पर्श से दूसरे व्यक्ति के सम्मान पर हानि पहुंचती है, तब हम उसे बलात्कार कहते हैं। स्पर्श या टच, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है हीलिंग टच यानी चंगाई का स्पर्श, जो कि एक माता अपने बच्चों को प्यार से गले लगाती है या पिता अपने बच्चों को प्यार से गले लगाता है। जब भाई बहन एक दूसरे को प्यार से मिलते हैं, उसे हम हीलिंग टच कहते हैं। पर जब कोई व्यक्ति हवस के शिकार बनकर दूसरों को उसकी शिकार बनाता है, तब हम उसे स्टीलिंग टच कहते हैं यानी चोरी का स्पर्श, जिससे दूसरों के सम्मान पर हानि पहुंचता है। इसलिए आज पूरे संसार को इस हीलिंग टच यानी चंगाई के स्पर्श की जरूरत है। और ये चंगाई का स्पर्श हमें ईश्वर से, हमारे खुदा से प्राप्त होती है। जब पूरे संसार पाप में डूबा हुआ था, तब ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा। वो हमारे बीच में निवास किया ताकि वो हमारे हृदय को छुए, हर एक व्यक्ति के जीवन को छुए। संत यौहन का सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इसलिए आज के समय में पूरे संसार को उस चंगाई भरी स्पर्श की जरूरत है। स्पर्श सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से छूना नहीं होता है, हमारे उपस्थिति से भी हम दूसरों के जीवन को छू सकते हैं। हमारे अच्छे शब्दों से, अच्छे लफ्जों से भी हम दूसरों के जीवन को छू सकते हैं। हमारे अच्छे विचारों से हम दूसरों के जीवन को छू सकते हैं। जो व्यक्ति निराश है, हताश है जीवन में, वह थक चुका है, जब हम उसके पास बैठते हैं और उसके बातों को सुनते हैं, तब हम उसके जीवन को छूते हैं। तो आइए हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हर एक व्यक्ति को स्पर्श करे, ताकि हमारे उपस्थिति से, हमारे अच्छे लफ्जों से, हमारे व्यवहार से
और दूसरों को समय देकर दूसरों के जीवन को छुएं, ताकि हमारे देश में, सारे संसार में इस प्रकार की स्टीलिंग टच कम हो सके, बलात्कार कम हो सके। यही हम प्रभु से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसलिए आप सबों को पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक थम्स अप दीजिए और अपने विचारों को कमेंट में बताइए। साथ ही साथ कम से कम एक व्यक्ति को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।